तो सोशल मीडिया के अंदर अब जैसे हम फेसबुक ऐड की बात करें तो फेसबुक ऐड ठीक है, उसमें अगर हमने कुछ ग्रीटिंग्स देनी है, ठीक है, ग्रीटिंग दी और प्लस अपना नाम लिख दिया है, कुछ प्रोडक्ट वहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो वो चीज़ वो पेजेस कैसे क्रिएट होते हैं? वो तो पेजेस हैं आपके, कैनवा होता है एक सॉफ्टवेयर, कैनवा, कैनवा के ऊपर आप जाओ और वहाँ पे है ना वो ऑटोमेटिक आता रहता है कि आपने फेसबुक ऐड बनानी है या फेसबुक इवेंट बनाना है या कुछ, तो फिर उसमें कुछ डिज़ाइंस आ जाते हैं, अच्छा कुछ आप उसमें से, टेम्पलेट्स होते हाँ हैं टेम्पलेट्स, उसमें कोई हम भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट उठाओ और फिर वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली वो उसको बना देता है उसको। एक दो हैं, दो चीज़ें, कैनवा के ऊपर आपने ऐसे अकाउंट बनाना है, देखो remove.bg, remove.bg। अब यहाँ से क्या करना है कि सपोज जैसे आपने अपना ये करना है कि जब मेरी फ़ोटो है वो साइड में रहे, और मान लो आपने जो फ़ोटो है वो पूरी बड़ी एक फ़ोटो थी आपकी, उसमें सपोज जैसे चेयर भी आ रही है, ये भी आ रहा है, लेकिन आप चाह रहे हो कि मेरी सिर्फ इतनी फ़ोटो ये उसके अंदर आ जाए, तो आप इसमें जाएंगे जो remove.bg और यहाँ पे उस फ़ोटो को डाल देंगे, कोई भी फ़ोटो आप चाहे अपने सिस्टम से उठा लें, और फिर जैसे उस फ़ोटो को डालेंगे तो आपके आसपास का सारा बैकग्राउंड और वो सब हटा क्लियर देगा, हो जाएगा। सिर्फ आप आपकी फ़ोटो फ़ोटो निकल के आ जाएगी, ठीक और है। उस फ़ोटो को आप सेव कर लें और फिर उसमें आ जाओ कैनवा के अंदर, और कैनवा में जैसे आपने डाला कि मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, जैसे हमारे इसके उस पे सन सन गिव सन गार्डनर की तरफ से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, वहाँ पे आपने अपना फ़ोटो डाल दिया, और तो फिर उसमें यूँ दिखेगा मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और सिर्फ आपका फ़ोटो इस तरीके से। तो आजकल यही ट्रेंड है, मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा फ़ोटो डाला और उसके अंदर कुछ चेंज किया, तो यूं करके करेंगे तो एक जो चीज़ आप बोल रहे हैं ना वो रेगुलर करनी है, जो भी कोई फेस्टिवल आ गया तो उसमें तो उस फेस्टिवल के नाम से, और फिर उसके बाद जैसे आज का आज मतलब कुछ के सोलर में कुछ कोई भी नया कुछ प्रोडक्ट हुआ, फिर प्रमोशन के अगले लिए दिन कुछ। को, तो हर रोज़ कुछ ना कुछ आपके फेसबुक पेज पे डलता रहे, तो इसको ऑर्गेनिक प्रमोशन बोलते हैं। ये तो डेज भी फिक्स कर सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज कि ये इस दिन डालना मुझे, नेक्स्ट सीरीज उसका नेक्स्ट वीक में डालना है, इस तरह से देन वुड बी शोइंग अस कंसिस्टेंसी कि ये रेगुलर जा रहा कुछ है एक्टिविटीज हो हो। रही है। क्योंकि आमतौर पे पहले लोग क्या करते थे कि उसमें MS पेंट में गए और जो पेंट ओपन कर लिया, फिर उसके अंदर है ना एक ऑप्शन तो होती है स्क्वायर और एक दूसरी होती है कि नो फ्री फ्री चॉइस। चेंज, फिर उसके बाद उसको यूँ काटना शुरू करते थे और वो अजीब सा दिखता था, लेकिन ये बिल्कुल सटीक काट के आपको दे देता है विद इन सेकेंड्स। रिमूव तो बीजी। हाँ remove.bg, यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड सारा हटा दें, सिर्फ खुद की फ़ोटो आ जाएगी आपकी, और फिर इसके अंदर वो ऑप्शन भी देता है, जैसे आप एक चीज़ कीजिए एक बार, ये कोई एक फ़ोटो है उस फ़ोटो को उसमें डालिए, क्योंकि अब इसने है ना एक और स्टेप ऐड किया है अभी जो remove.bg है। पहले तो ये होता था कि सिर्फ एक फ़ोटो फ़ोटो वहाँ से निकाल ली और फिर आप जैसे कैनवा में गए और उसके टेम्पलेट्स में चले गए, अब ये टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर रहा है अच्छा इसमें इसी के बेसिकली। अंदर ही, कि जैसी वो जो इमेज आएगी ना उस इमेज के साथ में ऑप्शन दे देगा नीचे ही कि आप इनमें से और क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं। हो रही है या हो गया? अच्छा आपने कौन सी फ़ोटो की सर? अच्छा ये आ गया, सही है। अभी कर रहे अच्छा जस्ट अभी, हाँ यहीं का ही है। अब ये देखिए ये फ़ोटो बिल्कुल ऐसे इस तरीके से आ गई, यहीं से ही देने लग रहा है इसको, और फिर इस इमेज को ही चाहे आप सीधा डाउनलोड कर लो। फिर उसके बाद आपने कौन सा किया? कैनवा। हाँ कैनवा तो से हमें टेम्पलेट्स उठाने हैं और फिर ये पिक्चर हमें उधर पेस्ट करनी या तो सीधा इसी इमेज को ही आप सेव करके और इसके अंदर आप MS पेंट में चले जाएं, या फिर फोटोशॉप अगर आपको आता हो तो आप फोटोशॉप में जाके इसके ऊपर कुछ लिख दीजिए,
होता ना कि इसी पे ही के मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, लोहड़ी की शुभकामनाएं, तो इसके ऊपर ही आ जाएगा वो चीज़। और अगर वो नहीं करनी है तो इस सिर्फ इमेज को ले लें और इस इमेज को आप वहाँ ले जाएं कैनवा के अंदर, हाँ कैनवा के अंदर ले जाएं और कैनवा के अंदर वो कर लेगा उसको।